So let us start with the motion in plane, which we already started. Last time हमने projectile motion के अंदर range का expression निकाला था, ठीक है, और इसके साथ साथ time of flight का भी expression निकाला था, और even in general the projectile motion का जो trajectory होता है, projectile जिस trajectory से, मतलब जिस path से गुजरता है, तो उस पाथ का भी इक्वेशन हमने निकाला था, राइट? अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, और उसी के साथ साथ रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और बाकी डिटेल्स. सो लेट अस स्टार्ट. Okay. So last time हमने already देखा था कि कोई भी projectile जो होता है, तो suppose this is the x-axis. And this is suppose the y-axis. And a projectile is suppose fired with the velocity u, making an angle theta with this x-axis, suppose. Then we see that this projectile will just move along this path in this way. And after some time, it will fall back on the surface somewhere on the earth. So, ये जो vertical distance होता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, करेक्ट है? तो ये हमको याद रखना है ठीक से. सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट हुज इक्वेशन इज टू बी फाउंड आउट इन दिस डेरिवेशन. तो अब यहाँ पे हमको इस हाइट h का हमको एक्सप्रेशन ढूंढ के निकालना है, बराबर. तो अगेन वी कैन फाइंड इट आउट इन डिफरेंट वेज, ठीक है, बट सिंपलेस्ट टेक्निक आई थिंक सो इज यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. ओके, यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. यू नो व्हाट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन? वी नो दैट इट इज सिंपली वी स्क्वायर is equal to u square plus 2as, correct? But also remember that the third kinematic equation is to be used in vertical motion. Okay, so vertical motion mein agar humne third kinematic equation use kiya to kya milega humko? Dekho, in general the third kinematic equation looks like v square is equal to u square plus 2as, correct? Okay, but as we know that this v square, v here is replaced by vy, because in vertical motion, तो vertical direction में अगर इसको हम u को अगर resolve करेंगे, तो हमको मिलता है इसके दो components, जिसमें से एक component हमको मिलेगा ऊपर की तरफ, right? ये हो गया हमारा uy, we can say. And here this component, horizontal component here, will be expressed as ux. Okay, and here if suppose at some point the particle moves to the another point like p suppose, and at that point suppose its velocity is expressed as v, then this v also can be resolved into two components, one of which will be horizontal, which is denoted by vx, and the other one will be vertical, which will be denoted by vy, correct? Okay, so this is vertical component.
तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हमने अगर ये थर्ड कैनमेटिक इक्वेशन यूज किया तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, v विल बी रिप्लेस बाय vy, करेक्ट है। तो ये भी बन गया vy स्क्वायर इज इक्वल टू u के बदले क्या आएगा, uy होल स्क्वायर, राइट। और फिर प्लस टू टाइम्स ऑफ a के बदले क्या रखना होगा हमको, माइनस g, करेक्ट है, माइनस g। एंड s के बदले क्या रखना है, y, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सपोज x कॉमा y जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे यूज करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया y। सो इन जनरल द वर्टिकल डायरेक्शन में जो काइनेमेटिक थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन रहता है तो वो इस तरह से रहता है, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gy, करेक्ट है। सो दिस इज द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन इन वर्टिकल मोशन, ठीक है। बट हियर वी हैव टू यूज वन थिंग, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको यूज करनी है यहाँ पे कि व्हेन दिस पार्टिकल मूव्स टू दिस पॉइंट हियर, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पार्टिकल आता है तो उस समय क्या होता है पार्टिकुलरली कि वेलोसिटी जो उसका है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होता है, देखो ऐसे होता है उसका वेलोसिटी, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है, नो वर्टिकल कंपोनेंट इज देयर एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। सो वी कैन से दैट हियर एट द हाईएस्ट पॉइंट द पार्टिकल हैज इट्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू बी इक्वल टू जीरो। So we can say that, and at that time only the particle is going to be at the highest position. So we can say that when vy becomes equal to zero, at that time only the value of y actually becomes equal to h, correct है? तो y का value h कब बनता है? सिर्फ तब जब vy का value zero बनता है। और ये values अगर हमने इसके अंदर डाल दिया तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखो zero square is equal to uy square minus 2gy, correct है? ये बन गया 2gy. तो y मतलब क्या है यहाँ पे, h, क्योंकि जब vy zero बनेगा तभी तो y h बनेगा, इसलिए फिर यहाँ पे हमने ये डाल दिया। तो यहाँ पे इसमें से हमको क्या मिल रहा है, zero is equal to uy square minus 2gh, correct है? But if we take this 2gh in that side, then we will be find it out as 2gh is equal to uy square. And now, if we just simplify this still further, then we can get this as h is equal to uy square upon 2g. Correct? So, dekho theek se, uy square upon 2g. This is actually going to be the formula for height, maximum height of the projectile. But as we know that uy मतलब ही क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू u sin theta, करेक्ट है, u sin theta, जैसे कि कल मैंने बताया था, याद होगा सभी को, uy इज ऑलवेज इक्वल टू u sin theta. सो इफ यू रिप्लेस इट हियर देन वी कैन गेट इट एज कैपिटल h इज इक्वल टू uy का होल स्क्वायर, मतलब ही उसको हम लिख सकते हैं u sin theta का होल स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2g, correct? And then we'll simplify this further and get this as h is equal to u square sine square theta, that is to be divided by 2g. Okay, so this is actually the final formula for the maximum height of this projectile. Remember, so we'll see the maximum height of the projectile can be found out by this formula. Remember what we have done here. See from the start, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ठीक से, v square is equal to u square plus 2as, ये third kinematic equation होता है जो हमने use किया, but वो भी हमने use किया कहाँ पे, इसमें vertical direction में हमने use किया उसको, vertical direction में। तो vertical direction में क्या होता है हमको पता है already कि in case of the vertical direction the v is replaced by vy here, u is replaced by uy, and a is replaced by minus g, and s is replaced by y, right? So we get this as a equation for vertical direction, third kinematical equation applied in vertical direction, correct? Yes, then we can see ye equation jo hai ye humne isme simplify karke likha is tarah se, aur abhi ek condition use kiya, ek knowledge hamara use kiya ki when vy becomes equal to zero y becomes actually equal to h, क्योंकि highest point पे जाने से particle का जो velocity है वो horizontal बनता है, तो horizontal बनने का मतलब क्या है,
उसका जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो बन जाता है. एंड व्हेन द वाई कंपोनेंट बिकम्स जीरो, वी कैन से दैट वर्टिकल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो. एट दैट टाइम ओनली द पार्टिकल रीचेस एट दिस हाईएस्ट पॉइंट. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वाई इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू सॉरी वी वाई इक्वल टू जीरो, देन वाई बिकम्स इक्वल टू एच. तो अगर ये बात यूज किया तो इसमें से ये फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई होता है और हमको मिलता है जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच. एंड इफ यू टेक दिस टू जी एच इन दैट साइड देन वी कैन बी एबल टू गेट दिस एज टू जी एच इक्वल टू वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर, विच मीन्स एच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी. बट वी नो दैट यू वाई इज नथिंग बट यू साइन थीटा, राइट? एंड इफ यू रिप्लेस इट बाय दैट देन वी गेट दिस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा h is equal to u square sin square theta upon 2g. Okay, so this is going to be actually the formula for finding the maximum height of a projectile. Okay, I think that this equation or this method is very easy. Easiest method hai ye height, maximum height nikalne ka. Still there are different methods also. Alag methods bhi hote hai, to jo hum use kar sakte hai aram se. Jaise tumhare textbook ke andar wo method use kiya hua hai. Dekho theek se. So, yes, we know already that y, हमने projectile का equation बना के रखा है already, याद है? What is the equation of projectile? It is y is equal to x into tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta, correct है? ये हमने ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बना के रखा था प्रोजेक्टाइल का. ओके, अभी इसमें अगर हमको y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू h कब बनेगा, कौन बताएगा? When this y will become exactly equal to h, when t will be equal to t by 2, करेक्ट है? सॉरी, हाँ ये तो हमने एक्चुअली थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज किया ना, वो जरूरी नहीं है. हाँ, अगर हमको ये यूज करना है तो फिर x के बदले क्या डालना पड़ेगा हमको, r by 2, करेक्ट है? r by 2 मतलब ये पूरा जो r होता है तो उसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो r by 2 बनेगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस r है. तो अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर पॉइंट, इसके लिए x का वैल्यू कितना होगा, r by 2 होगा. और अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर इधर x के बदले और इधर x के बदले अगर हमने r by 2 डाल दिया तो उससे हमको जो मिलेगा तो वो y का जो वैल्यू बनेगा वो y का वैल्यू एक्चुअली h बनेगा, ठीक है? लेकिन उससे भी एक सिंपल मेथड है, तो जो कि सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, देखो ठीक से, इफ यू यूज द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हियर यूजिंग सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन इन वर्टिकल मोशन, अगेन तो वर्टिकल मोशन में ही हमको सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है, ठीक है? सो हू कैन गेट दैट, यस, ओके. सो इट टेल्स अस सिंपली दैट सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो s के बदले क्या आएगा यहाँ पे, y, ठीक है ना? इस पॉइंट p का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, क्योंकि वर्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं ना, इसलिए तो s के बदले आ गया y. और u के बदले क्या आने वाला है, यू वाई टी एज इट इज. और a के बदले क्या आने वाला है, माइनस g आने वाला है, इसलिए माइनस यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट बाहर, और हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर ऐसा हम डाल देंगे, चलेगा? तो अभी हम एक बात यूज करेंगे कि व्हेन टाइम टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है? मतलब ही कैपिटल टी बाय 2, और वी कैन से सिंपली टाइम ऑफ एसेंट, राइट? तो टाइम टी जो है वो जब टाइम ऑफ एसेंट के बराबर बनेगा, तो मतलब आधा आधा टाइम के लगने आधा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, राइट? यहां से लेके यहां तक आने के लिए प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है
उसको ही हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो उस टाइम पे मतलब उतना टाइम ऑफ एसेंट की जितना टाइम कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल टाइम विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट देन एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ वाई हियर फॉर द प्रोजेक्टाइल विल एक्चुअली बी इक्वल टू एच, बराबर है। तो अगर ये बात हमने यूज की यहाँ पे तो हमको मिलेगा वाई के बदले आएगा एच, और उस तरफ टी के बदले क्या रखना होगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो जिससे हमको मिलता है यू वाई इंटू टाइम ऑफ एसेंट मतलब टी ए माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी ए स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हमको मिलेगा, ठीक है। अभी अगर सपोज अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो h कैन बी सिंप्लीफाइड एज यस uy इनटू टाइम ऑफ एसेंट, एज वी हैव सीन ऑलरेडी दैट टाइम ऑफ एसेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला uy अपॉन g, याद है। टाइम ऑफ एसेंट का यही फॉर्मूला है, माइनस हाफ इनटू g इनटू ta स्क्वायर, वेयर ta इज अगेन टाइम ऑफ एसेंट व्हिच इज गिवन बाय uy अपॉन g एंड उसका स्क्वायर एज इट इज। चलो ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा, अच्छा यू वाई इंटू यू वाई बिकम्स एक्चुअली यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एज इट इज माइनस हियर इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ जी इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, बट एज वी नो हियर दैट इज जी स्क्वायर विल जस्ट गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर और यहाँ का एक जी कैंसल हो जाएगा और हमको क्या बचेगा, एच विल बी एक्चुअली इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। एंड नाउ इफ यू टेक दिस यू वाई स्क्वायर अपॉन जी कॉमन, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन जी को अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, एक्चुअली वन माइनस वन बाय टू मतलब ही वन माइनस हाफ, एंड वॉट इज वन माइनस हाफ, इट इज एक्चुअली हाफ, एंड हेंस वी कैन गेट इट एज यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, करेक्ट है। जिसको हम u के बदले अगर u sin थीटा डाल देते हैं तो हमको मिल जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन इफ वी डिवाइडेड बाय 2g देन वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट एज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो ठीक से, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज एक्चुअली अगेन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस maximum height of the projectile in terms of theta and u, which is already here. यहाँ पे हमको मिला हुआ है वो, वही हमने दूसरे मेथड से निकाला, ठीक है। This is another method from which we can find out the maximum height of the projectile. After all, कौन से भी मेथड से निकालो, फॉर्मूला हमको वही मिल रहा है, that is h is equal to u square sin square theta upon 2g, okay? Yes. चलो ठीक है, तो कल जो हमने एग्जांपल लिया था उसी टाइप का एक और एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे हमको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना होगा। सपोज ठीक है, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन हियर दैट, एक सिंपल सा क्वेश्चन कंसीडर कर लो, a projectile is thrown with a speed of 12 meter per second at an angle 45 degree with horizontal. Okay, find the maximum height reached by it.
Can you find it out? Yes, it's very simple. See, the projectile is thrown with an speed 12 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. So h is equal to formula kya hamare paas u square sin square theta upon 2g, correct hai, where u square u can be replaced by 12 sin theta, so theta is can be replaced by 45, so we get this as sin square 45 upon 2 into 10, correct hai. Take g as 10 in most of the cases because it is 9.8, which is approximately equal to 10. So this will be actually equal to, yes, 12 ka square kya hoga, 144, right? Yes, so it is 144 and that is multiplied by sine square 45. What is sine 45? It is 1 by root 2, correct hai? And 1 by root 2 ka whole square agar karenge to ye 1 by 2 ban jayega aur yahan pe 2 into 10 matlab hi wo 20 ban gaya. Chalo theek hai, abhi isko agar solve karenge aage to humko milega 1 by 144 into 1 by 2 that is divided by 2 into 10, correct hai, jisko agar reduce karenge ab yahan pe to hum milega 2 1 za and 2 72 za, and again if we reduce it by 2 then we get this 2 1 za 2 36 za, correct hai. So we are going to get it as 36 divided by 10, which means it is 3.6 meter. That's it. They could say 3.6 meter. This is going to be actually the height of projectile. That's all. So we have found it out. Okay. So it's the same. And in the same way, we can find out its range and time of flight too. Okay. How will you get the range of the projectile? उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, सॉरी g ओनली, याद है ना कल डिराइव किया था ये फॉर्मूला. और एट द सेम टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ओके. सो इफ यू यूज इट हियर देन वी कैन गेट दिस एज r, व्हिच इज इक्वल टू u square. What is u square? 12 ka square, okay, into sine 2 theta, where theta is going to be 45. So if we put it here, then we get this sine 2 times of 45, which is actually going to be 90 in the next step, and that is 2 divided by 10, which is going to be r is equal to, here it is 12 ka square, kitna banega wo? Wo banega 144, right? And that is multiplied by this sine 2 times of 45. Matlab ye hoga sine of 90 degree. Okay. So yahan pe aa gaya bracket mein sine 90 degree. Right? And that is to be divided by 10 as it is. So that we can find this as 144 divided by, okay, so 144 into sine 90, which is 1. That is to be divided by 10, which comes out to be 14.4 meter. So they could say this is actually going to be the range of that particular projectile, right? And at the same time, time of flight. So time of flight ke liye kya karna hai humko? Fir se u ke badle 12 dalna hai. So 2 into 12 into sine 45. And that is to be divided by g, which is 10 here, so that we get this t is equal to, yes, so 2 into 12 is 24, and that is multiplied with sine 45, which is simply 1 by root 2, and that is divided by 10. Yes, so t actually becomes equal to, so it will be 24 divided by 2 into root 2 into 10. So you can write it as 10 root 2. Okay. So if we just, yes, sorry, isko bhi hum cancel kar sakte hain yahan pe. So if we cancel this by 2, then we can get this as 12. And here it will be 5. Correct. So it will be 12 upon 5 root 2. Correct.
if you multiply divided by root 2, so as to rationalize it, तो rationalization करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 12 root 2 divided by 5 into 2, which is 10. So that we get this as 12 root 2 upon 10, which can also be written as, अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको फिर से, तो 6 root 2 by 5 ऐसा मिल जाएगा हमको. Okay, so 6 root 2 by 5 seconds, which can also be found out in decimals if you want. तो decimal में अगर हमको निकालना है, तो निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास root 2 का value है 1.414. If we put it here, then we get this t is equal to 1.2 × 1.414. If you multiply this together, then we get this as 12 × 4 = 48. 4 carry, 12 × 1 = 12 + 4 = 16, 1 carry. Again, 12 × 4 = 48 + 1 = 49. And 4 carry, 12 + 4 = 16 again. So it is 16. So if we shift the decimal point 4 digits back, then we get this as 1.69. Means t is approximately equal to 1.7 seconds. ओके, तो 1.7 सेकेंड्स ये हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट. सो इन दिस वे वी कैन वी हैव फाउंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. ओके, यस. सो ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अबाउट रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45. ये हमको समझना है अच्छी तरह से. एंड इवन ये भी हमको प्रूव करना है कि देखो, मैं पहले लिखता हूं उसका क्वेश्चन, तो देखो ठीक से प्रूव दैट. Prove that for any angle of projection, sorry, for any value of given range, there are two angles of projection. Corresponding to it. Okay, देखो ठीक से. We have to prove that for any given value of range, there are two angles of projection corresponding to it. What does it mean? It means, see here. So, how will you prove this? तो उसके लिए सिंपल सी बात हमको ये करना है कि एक सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो अभी अगर सपोज हम अलग अलग एंगल्स पे अगर कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, तो देखो ठीक से, इफ यू थ्रो द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 10 डिग्री ओनली, देन इट विल जस्ट मूव अलॉन्ग दिस पाथ
एंड जस्ट फॉल ऑन दिस पॉइंट हियर. चलो ठीक है, 10 डिग्री से थ्रो करने से इस पॉइंट पे वो गिर गया, इसको हम लिख के रखेंगे 10 सपोज. ओके, अभी अगर थोड़ा ज्यादा एंगल पे थ्रो करेंगे, सपोज 30 डिग्री पे थ्रो करेंगे ना, तो वो थोड़ा ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ये हम समझ सकते हैं आराम से. द प्रोजेक्टाइल विल फॉल एट ग्रेटर डिस्टेंस इफ इट इज थ्रोन एट द 30 डिग्री एंगल देन इट फॉल्स विद द 10 डिग्री एंगल. चलो ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल होने की वजह से ज्यादा दूर जाके गिर गया. चलो ठीक है, अभी अगर हम सपोज और ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेंज और बढ़ेगा और क्या होगा. तो देखो, सपोज वी कीप द एंगल टू बी 45, तो देखो ठीक से एंगल 45 रखने से ये जो प्रोजेक्टाइल है वो जाके दूर गिरेगा, यहाँ पे जाके गिरेगा. ठीक है, नो डाउट. ये कहाँ किस एंगल पे हो रहा है, देखो ठीक से 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करने से वहां पे जाके वो गिर रहा है. चलो ठीक है, अगर हमने ये एंगल और बढ़ाया तो क्या वो और दूर जाएगा, सोचो. अरे प्रशांत, ठीक है, तो देखो रिक्शा पे जो बताया कि अगर हमने एंगल जो है वो 45 से भी और ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा, क्या वो और दूर जाएगा या पास आएगा. इट विल नॉट गो बियॉन्ड बट इट विल, यस इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. देखो कैसे, अगर हमने इसको 60 डिग्री पे थ्रो किया, 60 डिग्री पे, हाँ, तो देखो क्या होगा, इट विल मूव एट अ हाईएस्ट पॉइंट, उसका जो हाइट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा, लेकिन 30 डिग्री से जहां पे गिरता है वहां पे गिर जाएगा. व्हाट अ सरप्राइज, सी हियर द रेंज हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड बियॉन्ड 30 बट इट हैज डिक्रीज्ड टू it has not increased but it has decreased and it will it becomes same as it happens to be when the angle is 30. तो 30 से जो हमको range मिला था वही range हमको 60 से भी मिलेगा. देखो ठीक से, I will draw the diagram carefully once again. See here, what happens here is the height will get increased slightly and the projectile will fall on the same point here where it would if it would be projected with the 30 degree angle here. तो 30 degree से जब project किया था उसको, तब जिस point पे वो गिरा था उसी point पे वो जाके गिरेगा. देखो ठीक से, ये देखो 30 degree से वो यहाँ पे जाके मिला था, तो इसी point पे वो जाके मिल रहा है. दिख रहा ठीक से? अच्छा, अगर मैंने इस प्रोजेक्टाइल को और ज्यादा एंगल से अगर थ्रो किया तो क्या होगा, रेंज और ही कम हो जाएगा. देखो ठीक से, सॉरी, अरे ये तो 10 डिग्री का है, सॉरी 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 सॉरी, 60 डिग्री से अगर उसको थ्रो किया तो वो जाके हाइट मैक्सिमम अटेंड करेगा, मतलब हाइट उससे ज्यादा अटेंड करेगा, लेकिन गिरेगा उसी पॉइंट पे जहां पे वो 30 डिग्री से थ्रो करने से गिरा था. बराबर है, देखो ये जो एंगल है पूरा, ये 60 डिग्री एंगल है, दिख रहा है 60 डिग्री से वो 30 डिग्री से के पॉइंट पे ही गिर रहा है. इस पॉइंट को हम नाम देंगे, चाहिए तो सपोज बी, ओके, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे सी. देखो ठीक से, तो हम देख सकते हैं आराम से. और अगर हमने इसको 80 डिग्री से थ्रो किया तो क्या होगा पता है, 80 डिग्री से, तो देखो इट विल राइज अप वेरी हाई शार्पली बट fall at the same point where it would fall when it is projected with 10 degree angle. Okay? तो 10 degree angle से जो जहां पे गिरना चाहिए था उसी point पे वो अभी भी गिरेगा जब उसको 80 degree से throw किया जाएगा. ये देखो ये 80 degree angle है, समझा के ठीक से, तो 80 degree angle और 10 degree angle से हमको same range मिल रहा है. बराबर, B जो है B point पे कभी कभी वो गिर रहा है, 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल दोनों तरफ से हमको सेम ही रेंज मिल रहा है, करेक्ट है. और सी पे जो रेंज हमको मिल रहा है वो 45 डिग्री की वजह से मिल रहा है. अभी 45 और 45 की वजह से जो हमको रेंज मिलता है वो मैक्सिमम है, तो ठीक है ये भी हमको प्रूव करना है, ठीक है, कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45.
ये भी हमको प्रूव करना है, और एट द सेम टाइम ये भी हमको प्रूव करना है कि फॉर अ गिवन रेंज देर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन करिस्पॉन्डिंग टू इट. ओके, हाउ विल यू प्रूव दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस एंगल्स 30 and 60? चेक, 30 और 60 के बीच में क्या स्पेशलिटी है, क्या रिलेशनशिप है? या ये भी देखो, ये 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? यस, सो दे एड अप टू 90 डिग्री, करेक्ट है? दैट मींस इन जनरल इफ वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल विथ अ 20 डिग्री एंगल, ओके, 20 डिग्री एंगल से जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाएगा तो उससे जो रेंज हमको मिलेगा, अगर वो आर है सपोज, ठीक है, तो किस एंगल से हमको उसको थ्रो करना पड़ेगा ताकि हमको फिर से एक बार आर ही रेंज मिल जाए. 20 डिग्री से थ्रो करने के बाद आर इतना रेंज हमको मिल रहा है, ठीक है. अगर हमको उस उतना ही रेंज अगर चाहिए तो उसके लिए इतने एंगल से उसको थ्रो करना पड़ेगा 20 के अलावा. यस, वेरी गुड, 70 डिग्री, करेक्ट है, 70 डिग्री. व्हाई 70 डिग्री? बिकॉज 70 डिग्री हैपेंस टू बी 90 माइनस 20. तो देखो 20 से और 90 माइनस 20, ये दोनों एंगल से हमको सेम ही रेंज मिल रहा है. मतलब अगर 20 से अगर हमको रेंज आर मिलता है और 70 से रेंज अगर हमको आर डैश मिलता है, तो व्हाट कैन वी से, आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर डैश. बट हाउ विल यू प्रूव दिस? विल इट हैपन ऑलवेज? हमेशा हर एंगल के लिए होगा क्या ये? ऐसा क्या ऐसा भी होगा क्या, अगर 25 डिग्री से जो थ्रो किया हुआ प्रोजेक्टाइल है और अगर 65 डिग्री से थ्रो किया हुआ जो प्रोजेक्टाइल है, क्या वो दोनों सेम पॉइंट पे जाके मिलेंगे? दोनों का जो आर है, रेंज जो है, वो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, एंड वी कैन प्रूव इट, सी हाउ. तो उसके लिए हमको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज इन जनरल सपोज थ्रोन विद एन एंगल थीटा, सपोज, तो थीटा एंगल थ्रो करने से वो सपोज ऐसे एंगल पे इस पॉइंट पे मिल जाता है, आर इस पॉइंट पे वो जाता है सपोज, ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है, उसको 90 माइनस थीटा इस एंगल से उसको थ्रो करना है, और ये प्रूव करना है कि इट हैपन्स टू बी, सो इट कोलाइड्स एट द सेम पॉइंट, जबकि वो 90 माइनस थीटा इस एंगल पे जब उसको हमने थ्रो किया तो उस समय भी वो उसी पॉइंट पे जाके मिलता है. मतलब उस समय जो उसका रेंज हमको मिलता है उसको अगर हम सपोज आर डैश मान लेते हैं, आर डैश, ओके, याद रखो ठीक से, 90 माइनस थीटा करिस्पॉन्ड्स टू आर डैश. मान लो कि ये आर जो है ना, वो रेंज इसका है, ब्लैक कलर वाले का, और समझो कि 90 माइनस थीटा इस एंगल पे जब हम उसको थ्रो करते हैं तो उस समय जो उसका रेंज मिलता है उसको हम बोलेंगे आर डैश, ओके. और ये एंगल 90 माइनस थीटा एंड इट करिस्पॉन्ड्स टू आर डैश रेंज, ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट आर इज इक्वल टू आर डैश और आर डैश इक्वल टू आर, ये हमको प्रूव करना है. हाउ वी कैन प्रूव दिस? सो देखो, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एंगल थीटा, अगर ये प्रोजेक्टाइल हम थीटा इतने एंगल से थ्रो करेंगे, ठीक है, तो उसका रेंज कितना मिलेगा हमको? आर जो हमने यहाँ पे बोल के रखा है, सो आर विल बी इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? जस्ट रिकॉल, इफ यू रिमेम्बर, इट बिकम्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, करेक्ट है, जिसको ही हम लिख सकते हैं आराम से कि यू स्क्वायर इन टू. अभी अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है पता है सबको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है? यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय जी. ओके, तो ये बन गया हमारा रेंज व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन एंगल थीटा. ओके, बट नाउ व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन अनदर एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा, देन व्हाट विल बी द रेंज ऑब्टेन्ड हियर? सो वी कैन फाइंड इट आउट, व्हेन projectile is thrown
विथ एंगल 90 माइनस थीटा। तो देखो जब 90 माइनस थीटा एंगल पे हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो उस समय उसका जो रेंज मिलेगा उसको हम बोल देंगे आर डैश, चलेगा ना? आर डैश जो हमको मिलेगा अगर हम इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनेगा, तो उसके अंदर हमको थीटा के बदले जिधर भी हमको थीटा भी दिखता है ना, इधर ये देखो थीटा किधर किधर दिख रहा है, यहाँ पे एक हमको थीटा दिख रहा है और यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, ओके। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, 90 माइनस थीटा डालना है। चलो ठीक है, सो इफ यू पुट इट हियर देन वी गेट दिस एज 2 इनटू साइन 90 माइनस थीटा इनटू कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। क्या 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 किया हमने, जिधर हमको थीटा दिख रहा था, देखो ठीक से, यस, यहाँ पे जहां पे हमको थीटा दिख रहा था ये थीटा था, ये देखो, और इधर भी थीटा था, तो इस थीटा के बदले हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा डाल दिया, बराबर। और इस थीटा के बदले भी हमने 90 माइनस थीटा डाल दिया, देखो ठीक से, साइन कॉस 2 यू स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज, बिल्कुल एक बराबर। इवन नीचे जो जी डिवाइड करके रखा हुआ है वो भी वही रखा है हमने, वो भी हमने सेम ही रखा है, उसकी जगह पे ही रखा है, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। अभी देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, यू नो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, इट इज सिंपली साइन थीटा, राइट, सॉरी 2 भी तो है ना यहाँ पे, डोंट फॉरगेट दैट, दिस इज 2 इनटू साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ओके। एंड कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, ओके। एंड व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा, याद है ना 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इसको। एंड इफ वी जस्ट डिवाइडेड बाय जी देन वी विल बी गेट इट एज आर डैश इज इक्वल टू, सो यू स्क्वायर इनटू, इसको वापस उल्टा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आखिर प्रोडक्ट ही तो करना ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, बस दैट्स इट। एंड नाउ इट इज डिवाइडेड बाय जी, इफ इट इज, इफ यू रिमेंबर दैट 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इट इज विल एक्चुअली बी इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू यस यू स्क्वायर इनटू साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा हैपेंस टू बी साइन 2 थीटा and that is to be divided by g as it is and hence this is nothing but r, if we see here yahi to r hai hamare paas, ye dekho, to agar hum wahan pe replace karenge idhar to humko milega r dash is equal to r, dekho dekh se, we have proved it, that is the range of the projectile when it is projected with an angle theta becomes exactly same as the range obtained when the projectile is projected with an angle 90 minus theta. That is the means that it means that the whenever for any given range, किसी भी एक given range के लिए क्या होता है, there exist two angles of projection corresponding to that given range. तो देखो example, for any given range there are two angles of projection which are corresponding to it. एक है 90 एक theta और दूसरा 90 minus theta. इन दोनों angles से हमको same ही range मिलता है. तो अगर हम सपोज थीटा के बदले 45 यूज करेंगे तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 45 होगा, एंड दैट्स व्हाई 45 डजंट हैव द पेयर, 45 एंगल डिग्री एंगल इज अ यूनिक एंगल फॉर विच वी कैन गेट अ सिंगल रेंज एंड इट इज बिकॉज इट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल द रेंजेस एंड वी कैन प्रूव इट दैट टू, सी हाउ कैन वी प्रूव दैट, सो देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू होता क्या है हमारे पास फॉर्मूला उसका, तो वो है u square into sin 2 theta upon g, करेक्ट है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसमें देखो ठीक से, ये जो है ये मैक्सिमम कब होगा, r will be maximum when this r can become maximum. See here, r will be maximum only when sin 2 theta is maximum, correct है? And sin 2 theta का maximum value पता है कितना होता है? किसी भी angle का जो sin होता है, उसका maximum value हमेशा 1 होता है। तो sin 2 theta जो है,
we expect it to be equal to 1. Okay, when sine 2 theta will be 1, that time only this angle range will be maximum. Okay, but when this is possible, sine 2 theta equal to 1, kabhi ho sakta hai aisa? We know that sine 90 is going to be 1, correct? Sine 90 equal to 1 hota hai. तो अगर साइन टू थीटा का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 2 थीटा का जो वैल्यू है 2 थीटा का वैल्यू 1 होना 90 होना जरूरी है. एंड 2 थीटा का वैल्यू 90 कब हो सकता है? जब थीटा का वैल्यू 90/2 मतलब 45 हुआ करता है. तो व्हेन थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 45 डिग्री एट दैट टाइम ओनली द रेंज विल बी एक्चुअली मैक्सिमम. रिमेंबर. So, ये 2 mark का प्रूफ है. देखो ये क्वेश्चन 2 mark के लिए पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45. और ये जो है वो ये 3 mark का क्वेश्चन है. 3 mark के लिए पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट फॉर एनी रेंज गिवन वैल्यू ऑफ रेंज देयर एग्जिस्ट 2 angles ऑफ प्रोजेक्शन करिस्पॉन्डिंग टू इट एंड वी हैव प्रूव्ड इट इन दिस वे हियर. तो देखो यहाँ पे हमने कैसे प्रूव किया उसको. टेक द एंगल एज थीटा फर्स्ट एंड फाइंड आउट द रेंज to be equal to r is equal to u square sin 2 theta upon g and take this theta is equal to 90 degree here and try to find out the range separately and we got get it as u square sin 2 theta upon 2g once again, which is going to be the same as this one. And hence give this as equation number 1 and give this as equation number 2 and we can find from equation number 1 and 2 that R dash is going to be equal to R, which proves the statement. Okay. Yes. So this has to be done in this lecture for today. Okay. So we'll just stop here and see the next part in this chapter tomorrow. Okay. I hope all of you have understood all these things. Agar kuch doubt hai, toh pooch sakte ho aaram se. Okay. Chalo, thank you all of you.